चाय में थोड़ा चुस्की तो लेके पियो। नमस्ते, मेरा नाम है बियांका और मैं पहुंच गई हूँ शिवजी की नगरी बनारस में। और इस सुबह की शुरुआत मैं करने वाली हूँ एक बढ़िया से बनारसी ब्रेकफास्ट के साथ। एंड जॉइनिंग मी टुडे इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ लोकलाइट ऑफ वाराणसी, मनीषा। नमस्ते बियांका, नमस्ते क्वालिटी टेस्ट फॉलोअर्स। मैं बहुत ही खुश हूँ आपको और आप सभी को बढ़िया से बनारसी ब्रेकफास्ट कराने के लिए बनारस की पतली गलियों में। तो चले चले, एंड लाइक दिस से हियर, हर हर, हर महादेव। वाराणसी दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी कहलाई जाती है। जितने अनोखे रंग आपको इनके कल्चर और हिस्ट्री में मिलेंगे, उससे भी ज्यादा स्वाद यहाँ के खाने में मिलेंगे, जो काशी नगरी की खासियत में से एक है। चहत थटेरी बाजार वाराणसी का एक मशहूर नेबरहुड। थटेरी को इंग्लिश में स्मिथ कहते हैं। ये मार्केट प्लेस अपने मेटल और ब्रास वर्क के लिए काफी फेमस है, पर हम यहाँ के कुछ आइकॉनिक फूड जॉइंट्स को ट्राई करेंगे। शुरुआत करते हैं 90 साल पुरानी लक्ष्मी चाय स्टॉल से। हमारे पिताजी ने चालू किया है लक्ष्मी चाय वाले के नाम से, उन्हीं के नाम से ही दुकान से है। और हमारे यहाँ जैसे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे खुल जाती है, रात में 12-1 बजे तक बंद होती है। और हमारे यहाँ जैसे वाइट बटर है, खुद का अपना पर्सनल बनता है, अमूल बटर टोस्ट है, मलाई टोस्ट है, और आपका दूध है, कॉफ़ी है, लोग इसे स्पेशल चाय बनता है अलग से खाने पे है। और सुना है कि देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं इनकी चाय और टोस्ट का स्वाद लेने। ये है मलाई टोस्ट और ये है कम्बल ओढ़कर घी पीना। मतलब बियांका, इसको कहते हैं सिजेरियन टोस्ट। इसके अंदर बटर है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर बटर है। दे हैव वेरी यूनिक वे ऑफ पुटिंग बटर इनसाइड, यहाँ साइड से कट डाल के। सो गुड, नाउ यू नो व्हाई दिस प्लेस इज सो फेमस। थटेरी बाजार की गलियों में घूमना जैसे एक पजल को क्रॉस करना है। चारों ओर लोग आते जाते हैं, बाइक्स, हाथ गाड़ी, मतलब इन गलियों को एक्सप्लोर करना अपने में ही एक चार्म है। और हमारा अगला स्टॉप है राम भंडार, जो एक बहुत ही पुरानी जॉइंट है और अपनी कचोरी, सब्जी और जलेबी के लिए जानी जाती है। दूर से देखो कितनी भीड़ है राम भंडार में। This place started in 1888, na? Yes. बहुत पुरानी जगह है। Still running successfully and they still maintained their taste. यहाँ पे सब जगह से लोग। लो भैया, ये है हमारे बनारस की स्पेशल राम भंडार की बड़ी कचौड़ी। कचौड़ी पर ये तो पूरी के जैसे लग रही है। नहीं बियांका, यहाँ इसको बड़ी कचौड़ी बोलते हैं। गाइस, दिस इज अ वेरी फेमस जॉइंट। ये 1880s से आई थिंक शुरू हुई है और यहाँ पे अभी ये फोर्थ जनरेशन ये स्टॉल को चला रही है। और इतनी फेमस होने के बावजूद भी इनकी कोई ब्रांचेस नहीं है। अब खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। गजब का स्वाद है। राम भंडार की कचौड़ी में कुछ तो बात है कि जो लोग दूर दूर से ढूंढ कर आ रहे हैं, मतलब आउट ऑफ द ये सिटी जाके एक अंदर गली में है। बट यस, यू कैन टेल द डिफरेंस, जो और जगह पर फूड है और कचौड़ी है, यहाँ पर कुछ है। इट्स वेरी गुड, ऑसम, एंड देसी घी में बनी हुई है, तो इट्स नॉट बैड फॉर हेल्थ ऑल्सो। इट्स वेरी गुड। So what I find really fascinating about this place is that it's so laid back. सब अपने मस्त मगन अपने धुन में हैं, जहाँ जगह मिली वहाँ पर बैठ के खा पी रहे सब लोग। जितना ही स्वाद यहाँ के खाने में है बियांका, उतने ही मीठे यहाँ के लोग हैं। और ऐसा ही एक मीठा खिलाने मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ, श्रीजी स्वीट्स।
ओके वहाँ मिलता है यहाँ का फेमस मलाइयो जो सिर्फ तुम्हें ठंड के सीजन में मिलेगा. या आई हैव हर्ड इट्स अ विंटर डेलिकेसी फॉर श्योर. और ये देखो चलते चलते हम आ गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पे. ओह ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी. यू नो एवरी बिल्डिंग हैज एन इम्पोर्टेंस हियर एंड दैट्स व्हाई बनारस इज द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड. आ गए हम श्री जी स्वीट्स. ये 100 साल पुराना स्टोर है और यहाँ का मलाइयो बहुत ही स्वादिष्ट. मैंने ये भी सुना है कि यहाँ के मोहल्ले की तिरंगा बर्फी भी बहुत फेमस है. बिल्कुल, ये तिरंगा बर्फी इसी मोहल्ले में बनाई गई थी और ये यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी. ओके लेट्स ट्राई दैट टू. एक मलाइयो और एक तिरंगा बर्फी. मलाइयो बनता है दूध को खौला के छत पर रखाता है जाली के अंदर. वो जो ओस की बूंद गिरती है उसी को सुबह मथा जाता है. उसके बाद केसर इलायची मिला के बनाया जाता है. ये सिर्फ जाड़े में ही बनता है. हम लोग तो बचपन से ही खा रहे हैं यहाँ पे हैं तो इसको हम लोग फलार में भी खा लेते हैं. अगर कोई घर पे व्रत है या हम लोग भी व्रत है तो खा लेते हैं इसको. ये मलाइयो खा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हवा खा रहे हैं. हवा ही है ये. इट्स सो लाइट. तो अगर आपको बनारस में सबसे बेस्ट मलाइयो ट्राई करनी है तो आपको आना है श्री जी स्वीट्स एंड मिल्क और वो भी 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बिकॉज उसके बाद सब सफा चट हो जाता है. ओके और ये क्या है? ये मलाई की पूड़ी है. मलाई की पूड़ी हमारी ये फेमस मलाई की पूड़ी रबड़ी मलाई. अच्छा ट्राई करते हैं. ये बनारस की गलियों का डेफिनेटली एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है. छोटी छोटे दुकान है एक तरफ, दूसरी तरफ है छोटी गलियां जहाँ पे छोटे घर है. नहीं नहीं ये सब घर दिखने में बाहर से छोटे लग रहे हैं बियांका, बट इफ यू गो इनसाइड बड़ा बड़ा आंगन है और ये जो तुम्हें छोटे गेट दिख रहे हैं इनके पीछे एक हिस्ट्री है, वेरी ब्यूटीफुल हिस्ट्री. पहले के टाइम में ऐसा कहते थे घर आपके रहने की जगह है और यहाँ पे आपको अपना ईगो बाहर छोड़ के जाना चाहिए. तो जब आप घर पे घुसो तो सर झुका के घुसो, इसीलिए यहाँ पे छोटे छोटे गेट्स हैं. अच्छा दैट्स क्वाइट अ फैसिनेटिंग स्टोरी. ओह शिट एंड देयर्स केओस एवरीवेयर. ठठेरी बाजार की एक खास बात ये भी है कि यहाँ के सभी घर सभी दुकानें काफ़ी पुरानी हैं. Yeah, definitely adds to the culture and history of this place. Definitely, जैसे इसी दुकान को देख लो, पान की दुकान 220 साल पुरानी है. And it's still just like that. यहाँ का पान खा के देखें. चलो बनारस आए और पान नहीं खाए तो क्या खाक बनारस आए. हाँ एक मीठा पान. अच्छा तो इनके पान की खासियत ये है कि अगर मुंह से वाह नहीं निकला तो बिल्कुल बेकार. क्या बात. मनीषा बहुत खिलवा दिया अभी, मुझे नींद आ रही है. बट बियांका बनारस का दूध दही रबड़ी मिठाई ये सब तुमने नहीं ट्राई किया तो यहाँ की इन सब चीज़ों का डेयरी प्रोडक्ट्स का स्वाद ही अलग है. और देखो चलते चलते हम एक दही की दुकान पे आ ही गए हैं तो तुम दही तो यहाँ की ट्राई कर ही लो. अच्छा। वो तुम्हारे पैकेज दही से काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी स्वादिष्ट रहेगी. एक मटकी में थोड़ा दही मिलेगा. मैं 10 रुपये की दे दीजिए दही थोड़ी. इतनी लाइट और सो फ्लेवरफुल एंड सो फ्रेश ऑल्सो. दही का ऐसा फ्लेवर हो सकता है. बनारस आओ तो दही जरूर ट्राई करो. बिल्कुल. ओके मनीषा रुक जाओ यार थोड़ा बैठ जाते हैं. थक गई मैं अभी तुम्हारी ठठेरी बाजार घूम घूम के. आई नो बट एक लास्ट स्टॉप बाकी है. मुझे तुम्हें लस्सी पिलानी है और वो भी कोई साधारण लस्सी नहीं, थोड़ी अलग सी लस्सी है. चलो चलो लेट्स गो. आगे जाना है. पीछे जाना है. ब्लू लस्सी कहाँ है? ब्लू लस्सी वाह
वाह, पहली बार मैंने एक लस्सी की दुकान पर इतनी भीड़ देखी है। देखो कभी क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस बनारस की ब्लू लस्सी शॉप है, 90 years old। एंड द रीज़न वाई इट्स सो फेमस इज ऑल्सो बिकॉज दे सर्व 120 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लस्सी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लस्सी। विच वन डू यू वांट टू ट्राई? आई थिंक वी गो फॉर द मिक्स फ्रूट वन, ऑब्वियसली बिकॉज हम सब फ्रूट्स अलग अलग ट्राई करने का हमारे पास टाइम नहीं और ना जगह है, तो एक मिक्स फ्रूट ट्राई कर लेते हैं। चलो डन भैया, एक मिक्स फ्रूट लस्सी। You can taste each and every fruit in this lassi. And the lassi is also so light and not fresh. It's not very thick. So it's easy to I can have taste it guavas, also. Bananas, apple. I think we can finish it off. Yeah. बियांका, ये थी बनारस की कुछ आइकॉनिक फूड जॉइंट्स। आई एम श्योर यू हैड फन एंड आई एम श्योर यू लिटिल ड्राउजी आल्सो। आई हैड अ लॉट ऑफ फन, यस, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी थ्रू दिस फूड ट्रेल। मोर इम्पोर्टेंटली, आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस एज वेल। इफ यू हैव एनी मोर सच सजेशंस देन लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अंटिल देन, दिस इज मी बियांका सौराष्ट्री एंड आई एम मनीषा शिवारमानी। गुड बाय फ्रॉम वाराणसी।